अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा गल्फ के रिलेटेड नई नई जानकारियां आपको इस वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और मैं दुआ करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आपका परिवार भी खैरियत से होगा। तो आज की वीडियो में साथियों में हम बात करेंगे ECR और ECNR पासपोर्ट के बारे में और इसमें डिफरेंस क्या होता है। दोनों पासपोर्ट जो हम लोग बनाते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिससे ECR पासपोर्ट बनता है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता जिससे ECNR पासपोर्ट बनता है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो है वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं तो उसमें आपको क्या गलती कर देते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप को देखिएगा, यदि आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो को देखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, पूरा देखना जरूरी है। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ECR का मतलब फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, और ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो अब इसमें फर्क क्या होता है दोस्तों, ECR जो पासपोर्ट बनता है जब हम लोग अप्लाई करते हैं या एजेंट के थ्रू करते हैं या फिर कहीं पे साइबर पे जाके करते हैं, तो उसमें जब फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कहाँ तक आप पढ़े लिखे हो, यानी आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। तो यदि हम लोग मिनिमम 10th पास भी अगर यदि नहीं होते हैं तो वो पासपोर्ट बनता है ECR यानी इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। और यदि हम लोग पास आउट होते हैं, जैसे 10th मिनिमम दोस्तों ये 10th पास होता है, मान लिया हम लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो हम लोग पास हैं तो यदि हम लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग का पासपोर्ट जो बनता है वो बनता है ECNR यानी इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये दोनों में फिलहाल अभी फर्क होता है। अब साथियों यहाँ पे ये होता है कि हम लोग जब पासपोर्ट बनवाते हैं ECR तो हम लोग को जब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्री हमारे पास नहीं है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते, जाहिर सी बात है। तो हम लोग को ट्रैवल करने में यानी किसी दूसरे देश जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि पासपोर्ट बन तो जाता है पर हम लोग को जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके बाद दोस्तों हम लोग को POE ऑफिस जाना पड़ता है, फिर उसे बहुत सारा तामझाम भी होता है, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पर ऐसा बात नहीं कि हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, पर बहुत दिक्कतें को सामना हम लोग को करना पड़ता है। और दोस्तों जो इमिग्रेशन जो ECR पासपोर्ट होता है, तो यदि आपको पासपोर्ट जब बन के आएगा तो आप देखिएगा जब पीछे का लास्ट पेज जब पलटिएगा तो पीछे लिखा हुआ रहेगा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, यानी जब भी आप एयरपोर्ट आप जाओगे तो आपको इमिग्रेशन आपको सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि मेरा इमिग्रेशन हो चुका है। अब वही जो ECNR पासपोर्ट जो होता है तो यदि आप पीछे पलटोगे तो आपको कुछ भी नहीं लिखा रहा, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड का कोई इसमें झमेला नहीं होता है। तो दोस्तों यही सिंपल सा फर्क होता है ECR पासपोर्ट ECNR पासपोर्ट। तो जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो मिनिमम आप 10th पास हो जाइए, तो क्योंकि दोस्तों आपको फायदा इससे क्या होगा कि आपको इमिग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको 10th पास आप नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत होगा जाने में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अभी के टाइम में जाना ECR पासपोर्ट वाले के लिए। तो बस यही दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि पासपोर्ट जब भी बनवाइए तो ECNR पासपोर्ट बनाइए जिसमें आपको रिक्वायर्ड इमिग्रेशन का रिक्वायर्ड नहीं होता है। और दोस्तों कभी कभी गलती और हो जाती है हम लोगों से कि हम लोग कोई एजेंट के थ्रू यदि पासपोर्ट बनाते हैं तो कभी कभी हम लोग एजेंट जो है वो हम लोग से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है और पासपोर्ट बनवा देता है, तो उसमें इमिग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, POE जो ऑफिस होता है उसमें आपको जाके अपने सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवाइए और वहाँ पे आपको जमा कीजिए, तो आपको हो सकता है आपको दिक्कत ना हो। तो यही फर्क होता है दोस्तों ECR और ECNR पासपोर्ट का मतलब। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।